नमस्ते मेरे प्यारे फूडी फ्रेंड्स, जब फैमिली मेंबर्स में से किसी को भूख लगे तो झट से बनाइए ये ब्रेड रोल। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, तो चलिए ये क्विक से बनने वाला ब्रेकफास्ट हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेड रोल बनाने के लिए हम लेंगे मीडियम साइज के दो आलू और इसकी कुकर में हम 4 विसल्स बजा देंगे। जब तक कि हमारा कुकर हो रहा है, मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा है एक मीडियम साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक काट के रेडी किया है। एक आधी शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने बारीक काट के रेडी रखा है। थोड़े से लिए हैं मैंने हरे मटर और एक टुकड़ा मैंने गाजर का लिया था, उसको भी मैंने ग्रेट करके रेडी रखा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है रेड बेल पेपर का छोटा टुकड़ा, उसको भी मैंने बारीक काट के रेडी रखा है। और ये टोटली ऑप्शनल है, आप आपके हिसाब से वेजेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। ब्रेड रोल के स्टफिंग के लिए हम एक तड़का रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं लूंगी थोड़ा सा ऑयल और इस ऑयल को हम गरम होने देंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाता है उसमें ऐड करेंगे हम प्याज, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम, किसा हुआ गाजर और मटर। अच्छे से इसे सॉटे करेंगे मीडियम टू स्लो, स्लो टू मीडियम आंच पे। इसे हमें बीच बीच में हिलाते रहना है और इसे हमें तब तक सॉटे करना है जब तक कि इसमें कच्चापन पूरी तरह से गायब ना हो जाए। अब करेंगे हम गैस का फ्लेम ऑफ और इसमें हम बारी बारी से सब मसाले ऐड करके रेडी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा डालेंगे हम ओरिगेनो पाउडर। ओरिगेनो पाउडर वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा ब्रेड रोल को। थोड़ा सा डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। उसके बाद डालेंगे इसमें हम एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें चाट मसाला, एक छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, एक छोटी चम्मच डालेंगे इसमें हम गरम मसाला, थोड़ा सा ऐड करेंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे ठंडा करने हम छोड़ देंगे। स्टफिंग ठंडा हो रहा है, हम बॉईल किए हुए पोटैटो को पीलिंग करके इसको अच्छे से मैश करके रेडी रखते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ये हम हमारा स्टफिंग, अच्छे से करेंगे इन दोनों को मिक्स। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे ब्रेड रोल का स्टफिंग बनके रेडी है। इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देके फिर इसके हम ब्रेड रोल बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टफिंग नजदीक से दिखाती हूँ, कितना कलरफुल दिख रहा है। और इसमें हमने वेजीज इसको सॉटे करके इसलिए डाला है ताकि उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। अगर आप कच्चे वेजीज डालते हैं उसके आप ब्रेड रोल खाओगे और इसे सॉटे करके अगर आप स्टफिंग में डाल के खा रहे हो, उसके टेस्ट में बहुत ही फर्क होता है। ये ज्यादा ही यमी एंड डिलीशियस लगेगा क्योंकि हमने सब वेजीज इसमें सॉटे करके डाले हैं। और इस ब्रेड रोल को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का टेस्टी करने के लिए मैं ऐड करूंगी एक चीज स्लाइस। आपके घर में अगर चीज स्लाइस नहीं है तो आप चीज क्यूब भी यूज कर सकते हैं। चीज क्यूब को आप ग्रेट करके डालिए। मैं डाल रही हूँ चीज स्लाइस, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसमें मिक्स करूंगी, तो ये जो ब्रेड रोल है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा और बच्चे लोग मांग मांग के ब्रेड रोल खाएंगे। तो चलिए ऐड करते हैं चीज स्लाइस। देखिए अच्छे से चीज इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम लेंगे 4 ब्रेड, यहाँ पे मैंने 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिए हैं। अब इसकी हम सब बॉर्डर जो है वो काट के फिर इसमें हम ये स्टफिंग भरेंगे, हमारा बनाया हुआ स्टफिंग। और ये जो ब्रेड की स्लाइसेस बची है हम क्या करेंगे, इसका चूरा बना के ब्रेड रोल के कोटिंग में इसका यूज करेंगे। तो चलिए इसका हम चूरा बना के रेडी करते हैं। एक डिश में एक बड़ी चम्मच भर के लेंगे मैदा, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसकी स्लरी बनाएंगे हम। अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। ये लीजिए रेडी हो गया। उसके बाद हम लेंगे एक ब्रेड की स्लाइस, उसे पानी में हल्का सा डुबो के फिर ऐसे दबा के
पानी पूरी तरह से निकालेंगे और इसे थोड़ा सा ड्राई कर देंगे इस ब्रेड को, और अब इसमें भरेंगे हम फिलिंग। इस तरह से इसे स्टफिंग को बीच में रखेंगे और चारों साइड से इसे हम सील करेंगे ऐसे दबा दबा के। ब्रेड में कोटिंग होने के बाद इसे हम कोट करेंगे ये आलू भुजिया से। तो यहाँ पे मैं ये आलू भुजिया लेके आई हूँ। अब हम इस आलू भुजिया में इसे कोटिंग करेंगे इस तरह से दबा दबा के। अच्छे से आलू भुजिया इसमें लगा देना है। उसके बाद इसे हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। ये लिया ब्रेड क्रम्स, अब इसमें डाल के इसमें हम कोटिंग करेंगे। इस तरह से सभी हमें ब्रेड रोल रेडी करना है। देखिए, और एक ब्रेड की स्लाइस मैं आपको करके दिखाती हूँ। रेडी, इस तरह से सभी ब्रेड रोल बना के मैंने रेडी किए हैं। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। मीडियम टू स्लो और स्लो टू मीडियम हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं होते। हमें इसे एकदम क्रिस्पी एंड क्रंची बनाना है। ब्रेड रोल क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे निकालेंगे टिश्यू पेपर में और गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। ब्रेड रोल का मैं आपको नजदीक से वीडियो दिखाती हूँ। देखिए, इतना क्रिस्पी बना है चारों ओर से। दूसरा पीस दिखाती हूँ। अब इसे हम सर्व करते हैं मीठी चटनी और ग्रीन चटनी के साथ। ये लीजिए दोस्तों, हमारे ब्रेड रोल बनके रेडी है। होप आपको ये मेरी थोड़ी हटके थोड़ी यूनिक सी डिश ब्रेड रोल बनाने की अच्छी लगी हो। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।